वॉशिंग मशीन टाइप क्या है और वॉशिंग टाइप क्या है, बिकॉज हैंड वॉश में भी धो सकते हैं, तो वॉशिंग टाइप क्या है. एंड मैं अभी आपको इसके बाद एक चार्ट दिखाऊंगी जिसमें आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि डोसेज कैसे करना है. एंड थर्ड होता है लोड साइज कितना है. चार कपड़े धोने हैं, 10 धोने हैं, 15 धोने हैं, उसके बेसिस पे आपकी डोसेज डिसाइड होगी, राइट. सो दिस इज द डोजिंग चार्ट दैट वी हैव ओवर हियर. मैं 2 मिनट के लिए चार्ट रखूंगी, आप लोग यू कैन टेक अ क्विक लुक. आज हम क्योंकि हैंड वॉश करने वाले हैं कपड़े, सो मैं खास करके चाहूँगी आप इस चीज़ पे ध्यान दें. अगर आपके कपड़े नॉर्मल गंदे हैं, ज़्यादा गंदे नहीं हैं, तो एक स्कूप काफ़ी है. अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो आप 1.5 to 2 स्कूप्स यूज़ कर सकते हैं हैंड वॉश कंडीशन में. आज की दुविधा ये है कि जो कपड़ा उनके सामने है बहुत गंदा है, बहुत गंदा पर है. एक ही कपड़ा है तो एक ही तो कपड़ा यूज़ किया जाए पर बहुत गंदा है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप एक चम्मच स्कूप अब अपने पाउडर ले सकते हैं, एक चम्मच डिटर्जेंट लीजिए और आप अपने बकेट्स में डाल सकते हैं. एक चम्मच डिटर्जेंट एक बकेट में, दोनों बकेट में नहीं, करेक्ट? यस, इन वन बकेट. कम ऑन एवरीबॉडी डू दैट. पुट वन स्पून इन द बकेट, वन स्पून पुट इट इन द बकेट, डोंट पुट इट इन योर माउथ, ओके? सो साथ में डाला, ऑल डन, यहां पे भी हम डाल सकते हैं. ऑल यू रेडी? इट्स इन द बकेट. एक चम्मच, मैं भी स्टूडेंट हूँ. यस यस, आई वांट टू बी, ओके, हियर यू गो. परफेक्ट. मेरे में भी डाल दो भैया थोड़ा. नहीं, ये आपका स्टेशन है, ये मेरा स्टेशन. अरे मतलब हेल्प करो ना. नहीं नहीं, एक ही बकेट में डालना है. अच्छा, आई विल शेयर द लोड. एक ही बकेट, यस, शेयर द लोड. शेयर द लोड, ओके, कूल. शेयर द लोड, चलो शेयर द लोड. इधर भी डाल देता हूँ. नहीं नहीं, इधर नहीं डालना है. पक्का? नहीं डालना है, पक्का पक्का. आई एम टेकिंग द मूवमेंट. I promise you, you're not to put it in the second bucket. Are you sure? Second bucket has to be without. But इतना enthusiasm होना चाहिए कपड़े धोने के लिए, समझ रहे हैं आप? You should be so excited to use the detergent, okay? That is the kind of enthusiasm. चलो अपने अपने कपड़े बताओ भैया, कपड़े हैं कि नहीं? Oh, बहुत गंदे कपड़े. Oh great, fantastic, fantastic. Oh great. ऐसे कपड़ों के साथ कोई लड़की इम्प्रेस नहीं होने वाली. थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि क्या करना है इन कपड़ों का. In the meantime, ये जो है स्कूपिंग डिवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपके सामने भी चम्मच रखी हुई है, स्कूप जिसे हम कहते हैं. जैसे कि जब एक अच्छी डिश कुक करनी होती है, राइट, टीस्पून, टेबलस्पून, कितना नमक, कितनी शक्कर, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू गेट द परफेक्ट रेसिपी. सिमिलरली जब आप कपड़े धो रहे हैं, इफ़ यू वॉन्ट गुड कंसिस्टेंट रिजल्ट एवरी टाइम यू आर डूइंग योर लॉन्ड्री, मेक श्योर यू यूज़ अ स्कूपिंग डिवाइस, राइट. इसके पहले वाले चार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको कितना स्कूप यूज़ करना है. ऑलवेज यूज़ अ स्कूपिंग डिवाइस when you are doing your laundry. Now, आपने डिटर्जेंट तो डाल दिया है, पर आपने देखा होगा जब भी हम कपड़े धोते हैं झाग बनते हैं. Now, वो झाग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे आप, कुछ? Yes. अब आप जिस बकेट में आपने डिटर्जेंट डाला है उस बकेट में डिटर्जेंट घोलिए, उसको आप यू नो शेक करिए, अच्छे से शेक करिए, अच्छे प्रॉपरली झाग बनना चाहिए. इट शुड लैदर प्रॉपरली. एंड में बकेट में डिटर्जेंट नहीं बचना चाहिए, इट शुड लैदर प्रॉपरली. किया सबने? चल रहा है भैया, हम लोग बहुत सीरियसली करते हैं. थोड़ा वो टाइम चाहिए हम लोगों. यहाँ पे तो झाग बन चुका है. डेडिकेटेड अनिल सर, हम लोग डेडिकेटेड. थोड़ा और कार्डियो करना पड़ेगा आपको. मेरा तो थोड़ा झाग निकल रहा है. यस, एक्चुअली यू हैव टू बी वेरी वेरी यू नो. अरे क्या मजा आ रहा है यार, ठंडा ठंडा लग रहा है. आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी है बबल्स के साथ? हाँ जी. आप खेलते थे बचपन में? अरे हम लोग खेलते भी थे और कभी कभी दूसरों पे पैसा डालते भी थे. ओके, तो यहाँ पे मंदिर आकर तो बकेट का झाग बन चुका है. मेरा भी बन चुका अनिल है. सर का भी बनना चालू हो गया है. परफेक्ट. आप लोगों की बकेट्स में लैदर बन चुका है? वेरी गुड, मुझे दिख रहा है वहां पे झाग. अमेजिंग. ओके, सो ठीक है, हमको पता चल गया कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करना है, हमें पता चल गया कितना यूज़ करना है. नेक्स्ट चीज इज़ डालना कहाँ पे. यहाँ पे तो हमने डाल दिया बकेट में, पर मशीन वॉश भी होता है. तो अगर आपको फ्रंट लोड में यूज़ करना है तो वहाँ पे एक ड्रॉअर होती है जिसमें आप डोज कर सकते हैं डिटर्जेंट को. टॉप लोड और सेमी ऑटोमेटिक में आप सीधा ड्रम के अंदर डाल सकते हैं. और बकेट में, जैसे कि हैंड वॉश जब आप कर रहे हैं, जैसे कि अभी किया, आप स्कूपिंग कीजिए, डोजिंग कीजिए और सीधा बकेट के अंदर डाल के झाग बना दीजिए. ठीक है, सो दैट वॉज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ नोइंग योर डिटर्जेंट. सबको क्लियर है फर्स्ट चैप्टर? पीछे फर्स्ट चैप्टर क्लियर? उधर पीछे फर्स्ट चैप्टर क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ विद दैट वील मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज सॉर्टिंग. नाउ बिफोर आई टेल यू
how to do sorting. I think there's a very important question that we should ask, that why do we need to do sorting? Kapdon ko sort karna zaruri kyun hai, right? Now, bahut baar aisa hota hai ki aapka koi bahut acha kapda hoga, aapne pure load ke sath usko dal diya colored kapde ko, aur next thing you know ki aapka pura ka pura load kharab ho jata hai. I'll tell you why you do sorting. Yes. ek time tha jab maine safed kapdon ke sath do lal moze dal diye andar, aur phir more pink clothes than I needed is what I got at the end. हम लोग मेरे साथ और मेरी मम्मी के साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारे पास वॉशिंग मशीन ही नहीं होती थी. सच्ची बोल रहा हूँ. तो कपड़े जो होते थे ज़्यादातर वॉशिंग मशीन होती ही नहीं थी. वॉशिंग मशीन खरीदना एक होता ना, एक एम्बिशन होता था, एक ड्रीम होती थी हर एक वाइफ की, एक मदर की, कि यार एक मेरे घर में भी एक वॉशिंग मशीन हो. तो कितने सालों तक तो मैंने वॉशिंग मशीन ही देखी थी. मैं किसी के घर जाता था, किसी के, मैं जब रेस्ट रूम में जाता था, बाथरूम में जाता था, जो मेरे पारिवारिक संबंधी थे उनके पास वॉशिंग मशीन होती थी. तो जब मैं उनके बाथरूम में जाता था और टॉयलेट में जाता था और वॉशिंग मशीन देखता था तो घूरते रह जाता था, अरे यार क्या वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन मेरे घर में कब आएगी. तो मम्मी जो है मेरी कपड़े हाथ से ही धोती थी. तो हमें तो, मुझे तो सिर्फ वही विजुअल है. तो आज मम्मी का विजुअल दोबारा होता है और वॉशिंग मशीन के बारे में आज मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है आपसे. अनिल सर, आपने फिर सॉर्ट नहीं किया होगा तो हम चाहते हैं, वहाँ उस वक्त तो सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. हाँ, क्योंकि कपड़े अपने आप नजर आ जाते थे, ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है, तो उसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता. तो उस टाइम कपड़े हमारे परफेक्ट एकदम सफेद हो जाते थे. मगर अभी बड़ा sorting is very, very fast bhi ho gayi hain. We have to, you know, reinvent ourselves. Yes. We have to go with the washing machine and we have to sort out the clothes. So we have to see how good you are at sorting. I am terrific. I am fantastic. Come on, let's see you do this. Check that out. Let's show you. Main jo cheez pakad le leta hu haath mein use full josh mein karta hu. Aap log bhi karte hai ki nahi? Sorting mein to koi problem hai nahi, phatafat sort kare, we'll do it. What Anil sir is going to do is he's going to demonstrate how to sort clothes. It's very, very easy. Right here there's a bucket. There's a basket full of dirty laundry. It's all mixed up. Yahan pe do aur baskets hain, colored clothes and whites. So I'm going to leave everything open for you here, sir. कर सकते हैं. फर्स्ट इसे फैब्रिक का टाइप कैसा है, कॉटन है या लिनन है या सिंथेटिक है, उसके बेसिस पे भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं. मोर इम्पॉर्टेंटली कपड़ा गंदा कितना है, राइट? सो घर में कभी कभी होता है बेडशीट्स हो गए, आपके कर्टन्स हो गए, सोफा कवर्स हो गए, विच वी डू नॉट वॉश डेली, राइट? सो देन दे टेंड टू गेट मोर डर्टी, राइट? यू डोंट वॉन्ट टू मिक्स देम विद द क्लोथ्स विच आर नॉट सो डर्टी. आपके ऑफिस के शर्ट्स हो गए, आपके वाइट कपड़े हो गए, यू डोंट वॉन्ट टू मिक्स द क्लोथ्स विच आर नॉट वेरी डर्टी with the clothes that are very dirty, right? So you can do that sorting also. So basis color, basis type of fabric, and basis the dirt levels. Clear? Okay. So
एक छोटा सा वीडियो है ताकि ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो आपने एक्सरसाइज दी देखी उसको समराइज करते हुए एक छोटा सा वीडियो है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले दैट वीडियो फॉर यू सो दैट जो भी हम बात कर रहे हैं वो आपके दिमाग में एकदम छप जाए और आप भूले ना उसे कभी. बहुत ज्यादा गंदे हैं तो आप उसको आधे घंटे तक सोक करके रख सकते हैं. कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? या गाइस, यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस लेसन फॉर दिस टू बी अ वैलिड लेसन. यू सी दैट वो क्या है ना, ये बहुत जरूरी है ध्यान से सुनना, क्योंकि इसको कितने मिनट के लिए सोक करना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए इसके बारे में, ठीक है? तो अब आप सोचेंगे कि यार हैंड वॉश में तो मैंने सोक करके रख दिया, मैं कर सकता हूँ, मशीन वॉश में मैं कैसे सोक करके रखूँ? ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं होता है, ऑटोमेटिक होता है ना. बट वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी स्मार्ट होते हैं, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बना के रखी हुई है वॉशिंग मशीन के अंदर. तो व्हेन यू पुट द क्लोथ्स इन योर वॉशिंग मशीन एंड व्हेन यू पोर द वाटर, द फर्स्ट 10 मिनट्स द मशीन एक्चुअली सोक्स द क्लोथ, राइट? और पैनल में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, अगर आपको 20 मिनट्स 30 मिनट्स ज़्यादा टाइम के लिए सोक करके रखना है सो यू हैव दैट ऑप्शन ऑल्सो. हैंड वॉश में सीधा दे दिया, मशीन वॉश में ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन होता है. तो हमने ये सोक करके रख दिया. अभी मैं ऐसे कपड़े, ऐसे गंदे कपड़े को कितने समय के लिए हमें सोक करना चाहिए जिस हिसाब से हमारा काफी गंदा है ये कपड़ा, काफी गंदा है, बट बिकॉज़ वी आर यूजिंग एरियल हमको पूरा भरोसा है कि 10 मिनट के अंदर इट शुड बी एबल टू डू द जॉब. सो एरियल 10 मिनट के अंदर स्टेन निकाल देगा एंड यू गाइस हैव टू इंश्योर दैट यू वॉश इट प्रॉपर्ली सो दैट एरियल इज एबल टू रिमूव द स्टेन्स इन 10 मिनट्स. ओके ओके, सो व्हाट डू द बॉयज डू फॉर 10 मिनट्स? I will. Oh, the lesson continues. No. But what do they do? 10 minutes के लिए अभी नहीं तो bore हो जाएंगे ना. 10 minutes. अच्छा, जब आप घर में हो तो 10 minutes के लिए आप किसी को text कर सकते हो. आप जो करना चाहते हो. बता सकते हो कि आप share the load कर रहे हो at home. बता सकते हो I'm in the middle of doing laundry. आपके brownie points बहुत बढ़ जाएंगे. So that's a good thing to do in the time in between. नहीं, मैं तो बोलता हूँ मेरी फिल्में देखो आप लोग. करेक्ट है नहीं करेक्ट? थोड़ा बहुत. नहीं. इस पे ध्यान दो, चलो. तो वैसे सोकिंग का कुछ एक्शन होता है? सोकिंग का एक्शन होता तो है. आपको पता है सोकिंग का एक्शन क्या है? मुझे तो एक ही एक्शन मालूम है, दिना दिन दा. एक्चुअली सोकिंग का भी एक एक्शन है, मैंने सुना है, और वो भी एक डांस मूव की तरह ही है. तो अगर आप करना चाहते हैं व्हाइल वी वेट फॉर दोस 10 मिनट्स, जब कपड़ा अंदर चला जाता है तो कैसे जाता है? कुछ ऐसे करके दिखाओ. ओके, 1, 2, 3. नाइस. नाउ दिस साइड, 1, 2, 3. अच्छा, अभी मेरा एक्शन दिखाओ, मेरा एक्शन दिखाओ, दिना दिन धागा. चलो 1, 2, 3. ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी. 1, 2 का 4, 4, 2 का 1. चलो कपड़े धो रहे, चलो. बहुत तो ये है, ये भी है अच्छा वे टू पास योर टाइम वाइल यू आर सोकिंग योर क्लोथ्स. ए जी ओ जी, गाना गाओ, थोड़ा डांस करो, 10 मिनट के लिए कपड़े को, कम से कम 10 मिनट के लिए कपड़ों को सोक कर दीजिए. तो अभी बिकॉज आपने जो कपड़ा देखा, आप सोच रहे होंगे क्या स्टेन है. तो ये जो स्टेन है इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी. करंटली ये जो स्टेन है वन ऑफ द टफेस्ट स्टेन्स है एंड बहुत ही कॉमन स्टेन है. दिस वन इज अ चॉकलेट स्टेन एंड इट इज़ अ ड्राइड इन स्टेन. ये 3 घंटे पहले से स्टेन किया गया है. हुआ है आप लोगों के साथ कभी, आप किसी कैफे में गए हो, यू आर एंजॉइंग योर फेवरेट डिजर्ट और यू आर हैविंग अ. मेरे साथ. सो वी हैव एन एग्जांपल राइट ओवर हियर, टेल अस मंदिरा. हर रोज मेरे कपड़ों पर चॉकलेट का स्टेन रहता है क्योंकि चॉकलेट से मैं दूर रह नहीं सकती. और बात यह है कि जब वो चॉकलेट गिर जाता है और सूख जाता है तो एकदम कपड़े के अंदर घुस जाता हो जाता है, घुस जाता है. मेरे तो हमेशा जब खाना खाता हूँ तो मेरे स्टेन होते हैं. ये जब भी मैं खाना खाता हूँ तो मुझे बहुत डांट पड़ती है कि थोड़ा बहुत स्टेन हो जाता है. आप बहुत सारे व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं? हाँ जी, बहुत सारे. आज तो पहने हुए हैं पर जनरली आप बहुत सारे व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स. मैं कोई भी, इसी क्या है, ये जो इंडियन खाना है ना, जो इंडियन हम लोगों का, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज़ द इंडियन स्टेन is like a real the curry stain. The curry stain wo hai bahut zabardast villain ki tarah hai. Wo hero ko jo hai wo bahut chokanna rehna padta hai. Bilkul. Aur jab bhi hum safed kapde pehen ke kahin jate hain na, it's like hona hi hai,
करी का स्टेन गिरना ही है. इट्स लाइक आ स्टेन मुझे मार. स्टेन्स को पता चल जाता है कि आपने व्हाइट पहना है, जैसे कि आप लोगों ने आज पहना हुआ है. कहीं ना कहीं से कभी ना कभी स्टेन लग ही जाता है व्हाइट्स पे, राइट. सो जैसे कि अनिल सर ने बोला, राइट, विलेंस की तरह होते हैं स्टेन्स भी ना. जैसे विलेंस कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट. कुछ वीक विलेंस होते हैं, कुछ स्ट्रांग विलेंस होते हैं, उनको टैकल करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, राइट. उसी प्रकार से स्टेन्स भी जो होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेन्स होते हैं, ठीक है. एंड हर स्टेन को टैकल करने के लिए वी हैव टू यूज अ डिफरेंट मैकेनिक्स, राइट. और डिटर्जेंट का काम एक्चुअली वही है. सो डिटर्जेंट क्या करता है ना, कि व्हेन अभी आपने ये डाल दिया, तो इस टाइम पे एक्चुअली में इस बाल्टी के अंदर क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ. सो अभी क्या होगा ना, डिटर्जेंट ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है ऑन द स्टेन्ड क्लोथ्स. सो डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स हैं, दे आर अटैकिंग द चॉकलेट स्टेन विच इज द स्टेन दैट द क्लॉथ हैज बीन स्टेन्ड विद. वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, उसको फैब्रिक से लिफ्ट करेगा और वो इंश्योर करेगा कि वो जो फैब्रिक में डर्ट पार्टिकल्स आ गए हैं वो वापस से आके फैब्रिक पे जमा ना हो. सो दैट व्हेन यू टेक आउट द क्लॉथ, स्टेन पानी में रह जाएगा और एकदम चकाचौन कपड़ा आपके सामने निकल के आ जाएगा. ये तो बिल्कुल एक हिंदी फिल्म की तरह है. एक हीरो विलन को टुकड़े टुकड़े में तोड़कर लिफ्ट करके इजेक्ट करता है, निकाल देता है. वाओ, टू गुड, राइट. ओके, सो एज वी सेड, दीज आर द मोस्ट common stains. These also happen to be the toughest stains, right? Chocolate की बात करी मंदिरा ने, tea, coffee, हम एक ऐसा nation है जो चाय बहुत पसंद करता है, तो always ऐसा होता है कि tea या coffee के दाग तो लग ही जाते हैं. Then there are ink stains. आप लोग students हैं, हमने देखा है बच्चे आते हैं, pen रखते हैं pocket में, ink का stain लग जाता है. This rust stain, curry and gravy जैसे कि अनिल सर ने mention किया, tomato ketchup and the most common dirt and mud stain. So these are the different kind of stains. Detergent works on these different stains differently, so it can remove all kinds of stains and give you speckless results in every wash, right? Now there's a video that I'm going to play over here to explain this more. आपके साथ हुआ होगा कि आप कभी च्युइंगम पे बैठे हैं, आई हैव नेवर बीन एबल टू रिमूव द स्टेन. आप आइस लगा के च्युइंगम उतार सकते हैं, फिर बेबी पाउडर एंड बेकिंग सोडा. हु वुड हैव थॉट? फैंटास्टिक, रियली फैंटास्टिक. दिस वाज रियली नाइस. आर यू गाइस विद अस अप अंटिल नाउ? ठीक है, थोड़ा सा समराइज कर दें अभी तक हमने क्या क्या बात की है. एक मिनट, मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूं. ग्रीस उतारने के लिए क्या यूज करें पहले? को हु इज पेइंग अटेंशन? ग्रीस उतारने के लिए या ग्रीस, what, who is your best ally? Baby powder, correct? Yes. I was paying very close attention. Yes, I could see that and you were gasping in between also. Oh, really? Okay, so thoda sa summarize kar dete hain just so I ensure that you guys are with me till now. First step kya tha? What was the first step? Knowing your detergent. Okay, what was the second step? Sorting. What was the third step? Soaking. What was the fourth step? What was the fourth step? Abhi, jis par film bani thi. Stain remover. Stain remover. All right. So we are midway through our lessons. There are 8 chapters in all. You guys have already understood 4 chapters. I'm going to quickly move on to the next one. Actually, nahi. Thoda sa aur content hai yahan pe, because there is so much more. There's so much more that we want to learn here. So quickly, कुछ मिथ्स हैं जो आप लोगों के पास है, जो हमको स्पेशली लगा कि आप लोगों के लिए बहुत सही होंगे, बिकॉज व्हाट द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट वी आर गोना बी टॉकिंग ओवर हियर आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है. सो बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, आई वांट टू ब्रेक सम मिथ्स बाय टेलिंग यू सम क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स. एंड मंदिरा, प्लीज डू जॉइन इन. ओके, सो सबसे पहले केयरिंग फॉर डेनिम्स, राइट. हमने बहुत बार ऐसे मिथ सुने हैं कि फ्रीज क्लीन कर दो, फ्रीज क्लीन ऑफ यू ऑल, स्क्रब करना चालू कीजिए, पानी में डुबोइए, थोड़ा ड्राई हो जाएगा फैब्रिक क्योंकि पानी में डिटर्जेंट है अभी भी. सो मेक श्योर दैट यू स्क्रब इट, जब तक कि दाग पूरा ना निकल जाए, यू कीप स्क्रबिंग इट. वहां पे खड़े कुछ स्टूडेंट्स बहुत उतावले हो रहे थे टू स्क्रब. नाउ इज द टाइम टू स्क्रब. आई हैव अ, इन ऑर्डर टू मेक दिस अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग, देयर इज अ स्मॉल जिंगल दैट वी हैव ओवर हियर विद एरियल बाय योर साइड. स्टेन्स हैव नो चांस टू फाइट. मंदिरा, वुड बी ग्रेट इफ यू कैन हेल्प रिपीट दिस. डिप, स्क्रब, check and repeat until the stain removal is complete.
Dip, scrub, check and repeat until the stain removal is complete. Say it with me. Dip, scrub, check and repeat until the stain removal is complete. Okay. आप बोलेंगे मेरे साथ dip, dip, scrub, check and repeat until the stain removal is complete. They're too busy scrubbing. चलो, we let them do that. As that long is very as important. You're scrubbing. As long as they're long. Scrubbing. Wow. Wow. That is amazing. अब I can already see. मेरा जो sense of competition है, मैं बहुत nervous हो रही हूँ. मेरा इतना जल्दी नहीं जा रहा और इतने अच्छे से नहीं जा रहा. Oh ho ho. So how long should you scrub? You should scrub it until you see the remnants of the stain. इसलिए बोला है ना लड़के लोग better कपड़े धोएंगे अभी future में लड़के लोग अब सब लड़की लोग को मम्मी को बोलेंगे कि देखो we are better in laundry. So the boys in future, the future generation and the future generation and the present generation is going to be better than and impress their mothers by washing the clothes and they're going to be better. Husbands, better than the girls. Fathers, yes. And they're going to share the load.